अंपायर की इस गलती की वजह से सेमीफाइनल में हारा भारत। विवादों में आया धोनी का रन आउट। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप के 12वें सीजन का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया को 240 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 221 रन पर ऑल आउट होते हुए 18 रन से मैच गंवा बैठी। इस मैच में एक समय भारत ने 92 रन देकर 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद MS धोनी और जडेजा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और टीम इंडिया को मैच में वापस ला दिया। हालांकि 48वें ओवर में जडेजा 77 रन पर आउट हो गए। 7वें विकेट के लिए धोनी और जडेजा के बीच 116 रनों की साझेदारी हुई। इसके तुरंत बाद धोनी भी 50 के स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। मगर धोनी के आउट होने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जिस गेंद पर MS आउट हुए उस वक्त अंपायरों से बड़ी गलती हुई थी। जी हां, 48वें ओवर में जब धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस वक्त न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर थे, लेकिन धोनी जिस गेंद पर रन आउट हुए उससे एक गेंद पहले न्यूजीलैंड ने फील्डिंग में बदलाव किया और 30 गज के सर्कल के अंदर सिर्फ 3 खिलाड़ी ही रह गए। हालांकि सोशल मीडिया पर जो फील्डिंग का ग्राफिक्स वायरल हो रहा है उसके मुताबिक 30 गज के अंदर न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी थे। गौर करने की बात यह है कि अगर ये बात सही है तो अंपायरों से बड़ी चूक हुई है। अंपायर को अगर इस बात का ध्यान रहता तो ये गेंद नो बॉल होती और टीम इंडिया को फ्री हिट मिलती। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और धोनी दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज में 50 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड विश्व कप 2019 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। यह कीवी टीम का लगातार दूसरा फाइनल होगा। इसके पहले 2015 में भी न्यूजीलैंड खिताबी मुकाबले तक पहुंचा था। अब दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला 11 जुलाई को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच से होगा। तो दोस्तों, अंपायरों की इस बड़ी चूक और गलती के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं।